हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों के जातकों के लिए लेकर आ चुके हैं, जो कि कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे जिंदगी का मजबूत धागा टूटने वाला है। कल की सुबह 10:45 पर आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में यह तीन घटना होकर रहेंगे। कलेजा जो है सुनकर कलेजा बाहर आ जाएगा। मित्रों, जल्दी देखिए, जल्दी से इनका विश्लेषण कीजिए। आज आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की खुशियां रहेंगे, किन किन घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, आज आपको व्यापार व्यवसायी कैरियर लाइफ आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सब बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना किस प्रकार शुभ बेहतर हो सकते हैं, तो आज आपको बताएंगे कौन सब महत्वपूर्ण काम काज को अंतिम रूप तक देना पड़ चुका है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं, तो आज आपको बताएंगे सारी जानकारी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा अवश्य देखें, ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप सभी को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। तो आप लोगों को सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप सभी कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज का दिन युवाओं को अपनी किसी भी प्रकार की योजना को कार्य रूप में देने का अनुकूल समय आ चुका है। उनके शुभ फल की प्राप्ति हो सकते हैं, उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। धार्मिक तथा आत्मिकताओं कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आप सभी को हार्दिक रूप से सुकून मिल सकता है। दोस्तों, जीवन के वास्तविकताओं को समझें तथा कल्पनाओं की बजाय हकीकत का सामना करें। वर्तमान परिवेश में किसी से ज्यादा उम्मीदें न रखें, जब वरना उम्मीद टूटने समय व्याप्त हो सकता है। व्यवसाय संबंधित बेहतरीन प्रस्ताव आ सकते हैं, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों से अभिघ्न न रहें। दोस्तों, अभिघ्न न रहें, यह समय उनके लिए पूरा करने के लिए अनुकूल समय होंगे जो पिछले कुछ समय से अधूरे चल रहे थे। दोस्तों, आज परिवार में उचित सामंजस्य बना रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगे। पेट से साथ कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे गभरा गैस आदि परेशान कर सकते हैं। किसी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपकी दुविधा की वजह से खेद है, यह सही काम पर अगर पाना संभव नहीं होगा। खुद के द्वारा निर्णय को विश्वास करें, तभी कठिन आप सभी को बातों को लेकर सुलझा पाएंगे। अधिकतर समस्याओं के हल भी खुद ही प्राप्त मेहनत से प्राप्त कर। भागीदारी में काम करने वाले लोगों को जीवन में भागीदारी को काम करने वाले लोगों को अवसर प्राप्त हो सकता है, बंद हो सकता है। रिलेशनशिप से संबंध निर्णय महसूस होने वाले हैं और आज उतार चढ़ाव जल्दी ही समाप्त हो सकते हैं। आज आप सभी के दूर हो सकते हैं, शरीर की कमजोरी महसूस हो सकते हैं और आप सभी कन्या राशि के लोगों को जीवन में कई चीज़ों को लेकर आपको जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया भी आपकी उन्नति और आत्म रूप से उत्थान में सहायता कर सकता है। अचानक कुछ ऐसे कार्य लोगों से संपर्क हो सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रह सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रह सकता है। अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा रहना ले रहे हैं, इस वजह से आपकी खुद के कार्यों में रुकावट आ सकती हैं और आज आप सभी को जीवन में कई चीज़ों को लेकर खुशी को मनाई जा सकती हैं। हर प्रकार की परिस्थितियों से जीवन में शब्दों का प्रयोग न करें, वरना आकरण कोई झगड़ा या मुसीबत जैसी स्थिति झंझट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यवसाय संबंध गतिविधियों में ज़्यादा समय ना दें। बेहतर होगा कि अपने अधिकतर काम फोन कॉल्स और इंटरनेट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करें। ऑफिस के कार्यों में अधिकताओं की वजह से ऑफिस में आज ओवरटाइम करना पड़ सकता है। परिवार में सुख शांति का माहौल रह सकता है। प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने का समय आ चुका है, जो बहुत ही आनंदित रहेंगे और जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके होंगे।